पीलीभीत के विकासखंड मरौरी की ग्राम पंचायत विथरा में ग्राम प्रधान छत्रपाल सचिव तथा जेई के खिलाफ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम प्रधान ने मानक के विपरीत कार्य कराकर करीब 60 लाख रुपए का गबन किया है। राज्य वित्त 14वें वित्त व 15वें वित्त के अंतर्गत मानक के विपरीत कार्य कर भारी घोटाला किया है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान की शिकायत करने वाले व्यक्ति को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देता है। ग्रामीणों ने कहा कि जो भी रोड पड़े हैं उन पर 1.5 इंच माल ही डाला गया है, जबकि मानक 4 इंच का है। ग्रामीणों ने 12 बिंदुओं पर जाँच करने के लिए जिलाधिकारी को शपथ पत्र दिए है। समस्या ये है, हमारे गांव के प्रधान जी हैं छत्रपाल वर्मा, उन्होंने 2 मीटर सब लगा के पैसा निकाला है, पुरानी ईंट लगा दी है। जैसे खड़ंजा कहीं से वो देहरा उसमें दूसरे बनाया तो वो ईंट लगा दी। लगभग कितना पैसा निकाला है? लगभग करीब ने 60-70 लाख का घोटाला किया है इसमें। तो आपने शिकायत की भी? जी। तो क्या आश्वासन मिला आपको? जी कहा कि हाँ होगी कार्रवाई, जाँच कर रहे हैं। मेरा नाम अखिलेश शर्मा है, ग्राम बिथरा निवासी हूँ। हमारे गाँव के जो प्रधान हैं उन्होंने 2.5 वर्ष, अभी 2.5-3 साल हुआ, उस पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। पुरानी ईंटों से इन्होंने जो पुरानी नालियां बनी थी उसको रिपेयर करके पूरा पैसा निकाल लिया है। जो मानक होता है उसके हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया है। 4 इंच का पैसा निकाला जाता है सीसी रोड में, लेकिन इन्होंने मात्र 1.5 इंच पर डाल के उसका पैसा निकाल लिया है। इसमें जेई, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, सभी लोगों ने मिलकर गोलमाल किया है। ग्राम प्रधान जिस समय प्रधानी लड़े थे तो इनके पास मात्र 2 कमरे बने हुए थे। आज की डेट में इन्होंने करीब कम से कम 10 कमरे बनाए हैं, डबल स्टोरी बना रहे हैं, एक इनोवा गाड़ी खरीदी है। तो इन्होंने कम से कम 60-70 लाख रुपए का गबन किया है। अभी डीएम साहब के पास गए थे, उनसे मिले, उन्होंने सीईओ साहब के लिए लिखा, बोले जाँच के तहत, और सभी साक्ष्य हमने उसमें जाँच में लगा दिए हैं। अगर निष्पक्ष जाँच हुई तो इसमें क्या निकल के आएगा? निष्पक्ष जाँच निकल के आई तो प्रधान जी जो है जेल ही जाएंगे।